ही टपका पर ही अरे यहाँ का बढ़ता यह मैं छोड़े अरे यहाँ का बढ़ता यह मैं छोड़े जो आगे संस्कार हमारी संस्कृति जो लोगों को एक अल्लाह रुदल नाम सुन के ग्रामीणों में एक नया जोश उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उन्हीं ऐतिहासिक चीजों को नाचों के नाटकों के माध्यम से दिखाया जा रहा है ताकि हमारी संस्कृति जागृत रहे। धनिया गांव खतवारा जहां पे प्रत्येक साल हमारी संस्कृतियों को बचाया जा रहा है एवं प्रत्येक अनेकों प्रकार के लोक नाचों के माध्यम से लोगों को उत्साहित किया जा रहा है। आहे प्रथमा यही सुमरो बहिना सीरी है गाने शके आहे श्री गुरु चरणावे बांदगी है बाजा साला बाबा बहिनी आगे सीरी माता गाने
कर्नाटक बरसात पड़ता है। पिताजी का नाम राजा मथुरा सिंह, मेरे भैया जी श्री लालन सिंह है, और मेरा ही नाम सती चंद्र रेखा है। हमारे पिताजी ने एक राजा होते हुए भी अपने घर के लिए अंधा हो गए हैं, क्योंकि उन्हें तो प्रजा का पूरा फिक्र रहता है, लेकिन उन्हें इतना ख्याल नहीं है जो मेरी एक बेटी प्यारी सी नन्ही सी चंद्ररेखा है, जो शादी योग हो गई है, उनके लिए भी सुंदर वर ढूंढ के उनकी शादी कर दिया जाए। लेकिन हमारी शादी तो लगता है मेरे पिताजी ने होने ही नहीं देंगे, क्योंकि हर लड़की की इच्छा होती है एक दिन शादी होगी, पति के साथ ससुराल जाएगी, फिर सुहागरात मनाएगी, फिर माँ बनेगी, गोद में लल्ला को खिलाएंगे, लेकिन मेरे नसीब में वो सब है कहाँ।
थे नेता, मैं अपने मंत्री को बुला लेती हूँ और अपनी सारी बैठक उन्हें कहूंगी ताकि कहने से मेरा दुख जो है वो कम हो जाएगा। अरे दादे दारा शर्मा बबुआ आवा मां तारी ने क्या हुआ रहने दो ना। तू तो जाने चो हम शरीफ लड़का छी, तुम्हें कहा कुछ कह गई हूँ पर हाथ तो नहीं दो। हाथ आने से क्या होता है? गधा कहीं का सुनिए ना। सुनिए क्या बोलिए ना। मैं ये कहना चाहती थी। क्या कहती थी? आप तो जानते हैं ना। मैं जानती हूँ। जानती नहीं हूँ, जानता हूँ। हम जानता है। मैं जान रहा हूँ। मैं जान रहा है। अरे ऐसे नहीं बोला जाता है, मैं जान रहा हूँ। एक मतलब हम नगरा हिंदी बोल देंगे। मैं जान रहा हूँ। हाँ देखो ना, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मेरी चुंदरी लंबी हो गई, मैं क्या करूँ, हाय हाय हाय, मेरी चोली छोटी हो गई, मैं क्या करूँ, हाय हाय हाय।
ऐसे नहीं पिताजी ने पपिता पिताजी पिताजी क्या कर रहे हो आपके जो राजा साहब है वो राजा राजा साहब हाँ देखिए ना उन्होंने तो कभी मुझे महल से बाहर नहीं जाने दी पढ़ाई लिखाई का सारा व्यवस्था महल के अंदर ही रखे अरे आत्रू पात्रू सब का अंदर अच्छा आप तो ऐसी बातें नहीं है जो सभी दिन अंदर रहने से मेरी जिंदगी कट जाएगी हाँ क्योंकि सबका एक उम्र होते हैं मेरी भी उम्र हो गई है ना अब मेरा कहना था जो मुझे भी मुझे मेरे योग कोई लड़का ढूंढ के मुझे शादी करवा दे बुरबा का तम दिन रात कहते रहते मास्टर सर आऊं निश्चित का भाइयों कचो मालिक बुच्ची भै गया धान से चौर चौर से गहूम आप कहियो कहियो कोटा पर बेचियो देता बटाई हो जाता जे बात छे विवाह शादी कह दो बुच्ची के हमरे कहते नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा शादी अपने पुत्री को मैं पुत्री को